नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सबके लिए नए प्रश्न पत्र के साथ हिंदी भाषा के और व्याकरण के, जो कि विगत यूटेट सीटेट एसएससी नायब तहसीलदार और कई प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आते हैं, तो आइए आज हम इन्हीं प्रश्नों के साथ आपको ले चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है चार, व्याकरण, भाषा, लिपि और हिंदी। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि व्याकरण, भाषा और लिपि और हिंदी में क्या अंतर है। व्याकरण कहते हैं भाषा को ठीक ठीक बोलने और लिखने के कुछ नियमों को जानना आवश्यक है, उन नियमों को या उन नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। भाषा, जिस साधन का प्रयोग करके हम अपने विचार और भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। लिपि, भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग तरह के ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। और अंत में आता है हिंदी। हिंदी एक भाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं है। तो दोस्तों, तो अब हम जानते हैं इसमें से आंसर क्या है। हम अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, ख। दूसरे प्रश्न में चलते हैं, व्याकरण के तत्व कौन कौन से हैं? तो चार ऑप्शन है दोस्तों, वर्ण, शब्द, वाक्य और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैं बता दूं व्याकरण के तत्व सभी हैं। वर्ण भी देखे जाते हैं, शब्द भी देखे जाते हैं और वाक्य भी देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा घ वाला, सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों, मैं बता दूं हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, तो इनको मिला के 44 होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है ग वाला, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न ली जाए, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं अ ई उ ऊ ए, ऐसे कुछ शब्द किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं। व्यंजन में हम दो शब्दों को मिलाकर करते हैं, शब्द को भी दो शब्दों से मिलते हैं, वर्ण को भी ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन स्वर एकमात्र ऐसा है जिन्हें बोलने के लिए कोई शब्द की या किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, स्वरों तथा व्यंजनों की अलग अलग संख्या क्या है? चार ऑप्शन है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। सेकंड ऑप्शन है 13 स्वर और 33 व्यंजन। थर्ड ऑप्शन है 11 स्वर और 37 व्यंजन। और नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अभी आपको ऊपर बताया मैंने कि 11 स्वर और 33 व्यंजन मिला के 44 होते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, री निम्न में से कौन सा स्वर है? तो दोस्तों, चार ऑप्शन है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्रोत स्वर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये जो री है, री भी दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा, इसमें जो थोड़ा मात्रा है री की तरह घुमाई हुई, वो एक कम हो जाती है, तो ये ह्रस्व स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से स्पर्श व्यंजन का चुनाव करें। चार ऑप्शन है दोस्तों, ज, य, श, छ। तो मैं आपको एक बार पहले फिर बता दूं, यही क्वेश्चन 2017 के यूटेट के पेपर में कुछ चुनाव करने के लिए कहा गया था, और दो क्वेश्चन पूछे गए थे स्पर्श व्यंजन के माध्यम से कि कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चार चार ऑप्शन दिए गए थे 2017 के पेपर में यूटेट के। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। स्पर्श व्यंजन कुछ व्यंजनों का उच्चारण करने में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, क ख ग ग ग, च छ ज ज य, ट ठ ड ड ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। तो यहाँ पूछा गया था आपसे कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन का चुनाव करें, तो इसका ऑप्शन होगा ज, क्योंकि ज का बोलते समय हमें
हमारे जो स्पर्श हो रही कहीं किसी मुख के भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन यूटेट के 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, य र ल तथा व कौन से व्यंजन हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या उपरोक्त सभी। तो हम इनका प्रयोग कैसे करें, हम इनको बोल कर सकते हैं। स्पर्श मैंने अभी करा, य र कहीं स्पर्श नहीं हो रहा है, अंतस्थ और ऊष्म। मैं फिर बता दूं दोस्तों आपको कि अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का ही होता है, व्यंजनों का उच्चारण जो स्वर और व्यंजन के बीच का ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऊष्म, कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न अवयवों से रगड़ खाती यानी टच होती है, यह तेज गति से बाहर आती है, तो उसमें जो गर्मी पैदा होती है उसे ऊष्म कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ख वाला, अंतस्थ, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि हल्की सी गर्माहट बाहर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्ताक्षर छ के लिए कौन सा सत्य है, संयुक्ताक्षर। दोस्तों मैं संयुक्त तो बता दूं पहले, जब हम किसी शब्द को अलग अलग किसी वर्ण के विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो उस वर्ण को बनाने के लिए जो भी स्वर या व्यंजन यूज होता है, प्रयोग में किया जाता है, उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो पहला है क प्लस स प्लस अ, ख में है क प्लस स प्लस अ, ग में है क स अ, या नेक्स्ट है कोई नहीं। तो दोस्तों मैं छ बनाने के लिए ख का प्रयोग होता है, क हलंत वाला प्लस स हलंत प्लस अ, तो ख वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से ज्ञ के बारे में क्या सही है, निम्न में से ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है, जितने भी ऑप्शन है क अ ग य अ, ख में ज ग य अ, ग में ज य अ, या कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको हम संयुक्त अक्षर करके बना सकते हैं, तो इसका घ वाला सही होगा, कोई नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर एक बार ऐसे ही ओ और औ के बारे में 2017 के यूटेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ नेक्स्ट खाली क्वेश्चन उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, ए तथा आई का उच्चारण स्थान बताओ, तो हम इनको बोल कर सकते हैं। तो दंत्य है नहीं, ओष्ठ्य है नहीं, कंठ तालु है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा कंठ तालु। नेक्स्ट 12 नंबर, श का उच्चारण स्थान बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तीन प्रकार के श होते हैं, दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य। हम हमेशा गलत उच्चारण करते हैं इनका, हम किसी को पेट फड़ा बोलते हैं, किसी को कुछ, लेकिन दोस्तों इन स के नाम हैं दंत्य, सपेरा इसको दंत्य बोलेंगे, शलजम इसको तालव्य बोलेंगे, और षटकोण इसको मूर्धन्य बोलेंगे। तो हम ये शलजम वाला श है यानी तालव्य स है, तालु पे टच हो रही है हमारी जिह्वा, तो इसका तालव्य होगा क वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से मूर्धन्य किसका उच्चारण स्थान है, निम्न में से मूर्धन्य किसका उच्चारण स्थान है, मूर्धन्य व या ख ई या ग ह या ग री। तो दोस्तों मूर्धन्य है री, ये पहले भी आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रकंपित वर्ण कौन सा है, निम्न में से प्रकंपित, तो दोस्तों ऑप्शन है व ड ल र। तो दोस्तों प्रकंपित र होगा, प्रकंप हो रहा है इससे, तो घ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्न में से ल किस प्रकार का वर्ण है, ल इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, नासिक्य, पार्श्विक्य, प्रकंपित, उत्क्षिप्त। तो हम ल को बोल के प्रयोग करके कर सकते हैं, नासिक्य नाक से भी नहीं, पार्श्विक बगल में भी नहीं, प्रकंपित कुछ प्रकंप नहीं हो रहा है, और उच्छिप्त कुछ उछल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों ख वाला पार्श्विक शब्द है, ये ल पार्श्विक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से ड तथा ढ किस प्रकार के वर्ण हैं, ड तथा ढ ये नासिक्य हैं या उच्छिप्त हैं या प्रकंपित हैं या पार्श्विक। तो मैं आपको बता दूं, ये
उत्क्षिप्त वर्ण है। नेक्स्ट 17, निम्न में से अनुनासिक ध्वनि किस में प्रयोग की गई है? अनुनासिक ध्वनि किस में प्रयोग की गई है? ऑप्शन है नहीं, ख में यहाँ, ग में अतः, या उपरोक्त तो सभी। तो अनुनासिक ध्वनि, तो दोस्तों नहीं, अनुनासिक नासिका से नहीं आ रही ध्वनि, यहाँ तो नासिका से आ रही यहाँ ध्वनि, अतः में भी नहीं है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ख यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महाप्राण, जिसमें थोड़ा जोर से बोलना पड़ता हमें, था, टा, श या ह। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपने चार ऑप्शन देखे तो आपको जोर लग रहा है था में बोलने में, तो महाप्राण ध्वनि था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, जिसमें थोड़ा सा प्राण लगाना पड़ता है? तो देखिए चार ऑप्शन है, ल, ण, झ, प। तो दोस्तों अभी आपने देखा मैंने चार ऑप्शन बोले, तो झ में सबसे हल्का प्राण लगा, तो इसका ऑप्शन ग वाला सही होगा। 20, प्रश्न नंबर, घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, घोष वर्ण 31 होते हैं। मैं नाम तो अभी यहाँ पर इतने इस प्रश्न में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर अगला कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा घोष वर्ण क्या क्या होते हैं। घोष वर्णों की संख्या 31 है। नेक्स्ट, श, श, श आदि कौन से वर्ण हैं? तो तीन चार ऑप्शन हैं इन तीनों के, अघोष, महाप्राण, उष्म व्यंजन, या उपरोक्त सभी। तो देखो तीन प्रकार के श का उच्चारण किया गया है, दंत, पहले तालव्य, फिर दंत्य, फिर मूर्धन्य। तो दोस्तों ये अघोष भी है, महाप्राण भी, और उष्म व्यंजन, इसलिए ये उपरोक्त सभी ही इसका आंसर होगा घ वाला। 22, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण जो गूंजता हो, छ, ह, श, श। तो दोस्तों गूंज ह रहा है, इसलिए इसका आंसर ख वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन सा नहीं है? खड़ी पाई व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है व्यंजन के कई प्रकार हैं, उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि आदि कई प्रकार के व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य व्यंजन, दंत व्यंजन, वत्स्य व्यंजन, ओष्ट व्यंजन, दंतोष्ट व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो अगले पेपर में आपको ये सब जानकारी दूंगा। तो प्रश्न था कि निम्न में से खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है, हम प्रश्न को ढंग से पढ़ें तो इसका ऑप्शन होगा श, ग, ट या न। तो आंसर बता दो दोस्तों मैं आपको, ग वाला इसका आंसर है ग, ट। ट खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है, श भी है, ग भी है, न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों ये सब आप भी जानते होंगे, लेकिन ये आम लगभग नायब तहसीलदार के प्रश्न में पूछा गया था, पत्र में पूछा गया था, और एसएससी के एक पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों खरोष्ट लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि, या उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्र में निम्न में से कौन किन वर्णों का मेल है? तो स्र में एक तालव्य श आता है, र आता है, और तो दोस्तों ये भी संयुक्त वर्ण का मेल है, इसलिए इसका आंसर ख वाला होगा सही। 26 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म अर्धस्वर कहलाता है, इसे अर्धस्वर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है य व, दूसरा है य फ, तीसरा है य र, या चौथा है य ह। तो अर्धस्वर होता है दोस्तों य व, तो क वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? छत्र, ज्ञ और स्र चार संयुक्ताक्षर हैं, ख में है उ उष्टे वर्ण है, ग में है ल तथा स तालव्य वर्ण है, घ में ह अलिज व उच्चारण स्थान रखता है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों छ,
त्र ज्ञ और स्र ये संयुक्त अक्षर हैं चारों के चारों, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उ ओष्ठ्य वर्ण है, ये भी सही है। ग में ऑप्शन है ल तथा स तालव्य वर्ण है, ल तथा स तालव्य वर्ण नहीं है इसलिए ग वाला सही होगा। और ग ह अलजीव उच्चारण स्थान रखता है, बिल्कुल रखता है, इसलिए ग वाला ऑप्शन सही होगा, ये तालव्य वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है, इन चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर बताना है। र तथा स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, या ट ठ ड ढ संघर्षी व्यंजन है, र संयुक्ताक्षर है, या उपरोक्त सभी सत्य हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, क में है र तथा स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा क, र तथा स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ख जो है ट ठ ड ढ संघर्षी व्यंजन नहीं है, इसमें संघर्ष लगाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट र संयुक्त अक्षर है, नहीं दोस्तों र अकेला वर्ण है, संयुक्त अक्षर नहीं है। और घ में उपरोक्त सभी सत्य हैं, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। देखो दोस्तों पहले ए आई री ओ, तो ए भी संयुक्त अक्षर है, आई भी है संधि पढ़ते होंगे, अ जमा ई अ जमा ए ऐसे पढ़ते होंगे, तो ये सब संयुक्त अक्षर हैं, ए भी है आई भी है, लेकिन री एक ऐसा वर्ण है, ऐसा वर्ण है जो संयुक्त स्वर नहीं है, ओ भी है, तो दोस्तों इसका आंसर ग वाला होगा री। और अंत में निम्न में से कौन सा सत्य है, घोष वर्ण किसी वर्ग के अंतिम तीन वर्ण होते हैं, अघोष वर्णों में श श श भी शामिल होते हैं, यह ग ऑप्शन है, यह र ल व अल्प प्राण है, यह घ उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो घोष वर्ण किसी वर्ग के अंतिम तीन वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। अघोष वर्णों में श श श तालव्य मूर्धन्य और दंत्य भी शामिल होते हैं अघोष वर्णों में, बिल्कुल सही है ये भी। य र ल व अल्प प्राण है, हल्की आवाज में ही बोले जाते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये आपने प्रश्न पत्र देखा, फिर मिलेंगे आपको अगले प्रश्न पत्र के साथ। नमस्कार।